शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर बीती रात करीब 2 बजे धमाके की आवाज सुनी गई। जम्मू पुलिस के मुताबिक ये कम तीव्रता का धमाका है। मामले की जांच के लिए मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। इस मामले की आतंकी एंगल से भी अब जांच हो रही है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू से टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में ये संदिग्ध धमाका हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश जारी है। मौके पर वायुसेना के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। और हमारे सहयोगी अजय बाजरू हमारे साथ सीधा वहीं से जुड़ रहे हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, और क्या कुछ जानकारी वहां पर मिली है? आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये एयरफोर्स स्टेशन है। ये वही टेक्निकल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है जहां पर वायुसेना का बड़ा स्टेशन है। और इस स्टेशन में न केवल वायुसेना के अपने एसेट्स और मशीनरी लगी है बल्कि इसके अंदर आवास भी हैं। जो लोग यहां काम कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या चाहे वो स्टाफ हैं, उनके क्वार्टर्स भी हैं। तो इसी एयरफोर्स स्टेशन के भीतर रात करीब 2 बजे एक धमाका सुनाई देता है, जिसके बाद यहाँ पूरा अमला हरकत में आ जाता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो वायुसेना के अधिकारी हो या सेना के अधिकारी हो, तो सारे लोग इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जाते हैं और लगातार तब से इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस आधिकारिक तौर पर इस धमाके पर अभी तक कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जो मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने 2 अहम बातें कही हैं। एक कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से हुआ है, और दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस इस घटना में आतंकी एंगल से भी इनकार नहीं कर रही है। क्योंकि लगातार अगर हम पठानकोट के बाद देखें, पठानकोट में जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार एयरफोर्स स्टेशन जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। हालांकि सुरक्षा किस तरह की है, किस तरह के व्यापक सुरक्षा इंतजाम इस एयरफोर्स स्टेशन के बाहर रहते हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, किसी भी अनअधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसे में अगर ये ब्लास्ट अंदर हुआ है और इस ब्लास्ट का सामान अंदर कैसे पहुंचा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार यहां पर न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि दूसरे जांच एजेंसियां भी अंदर लगातार जा रही हैं और अंदर जो है इस जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां का मुआयना कर रही हैं। और यहां पर पूरे फिलहाल रोड पर जो है, हालांकि ये रोड जो है ये आगे कुछ गाँव को भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा कि इस ये ब्लास्ट जो हुआ ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। और दूसरा, इस ब्लास्ट से अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है आतंकी एंगल का भी जो है इनकार नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर न केवल गरुड़ कमांडोज को तैनात किया गया है जो मुख्य द्वार है, इसके बाद जो अंदर लोग रहते हैं, जो आवासीय क्वार्टर है, अगर वो लोग रहते हैं तो उन्हें भी बार बार अपना आईडी कार्ड और कुछ दस्तावेज दिखा के ही अंदर भेजा जाता है। उसके बिना अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, प्रॉपर फ्रिस्किंग होती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये धमाका अंदर हुआ तो ये हुआ कैसे, और तो शख्स इस धमाके के लिए जो सामान लेके गया वो अंदर कैसे पहुंचा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अजय यहाँ सुरक्षा भी बहुत कड़ी होती होगी, ऐसे में ये शख्स अंदर पहुंचा कैसे, वहां पर धमाके का सामान रखा कैसे गया, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए, जम्मू से बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में धमाके की गूंज कल देर रात सुनाई दी, हालांकि कम तीव्रता का ये धमाका था। रात तकरीबन 2 बजे ये आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इस वक्त बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर मौजूद, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर बीती रात करीब 2 बजे धमाके की आवाज सुनी गई थी और बताया जा रहा है कि इस धमाके में 2 लोग घायल हुए हैं। जम्मू पुलिस के मुताबिक ये कम तीव्रता का धमाका है। मामले की जांच के लिए मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इस मामले के आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 धमाके हुए हैं और लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। अजय बाजलू लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अजय, क्या और अपडेट मिल रहा है इस खबर पर?
तरह से मलिका जांच तेज हो रही है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जिसे टेक्निकल एयरपोर्ट कहा जाता है वहां पर ब्लास्ट की, तो लगातार खबरों पे अपडेट्स भी आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि एयरपोर्ट के अंदर से एक नहीं बल्कि दो धमाकों की आवाज सुनाई दी है और ये दोनों धमाके जो है लो इंटेंसिटी के थे, कम तीव्रता के थे। और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि इस धमाके में दो लोग घायल हुए हैं, हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इस एयरपोर्ट परिसर के साथ ही जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया है उपचार के लिए, और दोनों की स्थिति जो है खतरे से बाहर है। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सारे एंगल्स पर काम कर रही है कि क्या ये आतंकी घटना थी, क्या कुछ आतंकी अंदर आए थे एयरपोर्ट के और उन्होंने इस तरह से प्लांट किया, या इस बम को किस तरह से अंदर प्लांट किया गया, इस बात की भी लगातार जांच की जा रही है। और साथ में ही जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पर इस समय भी जब हम बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं अंदर ही इसी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर सबूत जुटाने में लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है वो भी लगातार अंदर इस सारे घटनाक्रम की जांच कर रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल इस घटना में आतंकी एंगल से इनकार नहीं कर रही है। पुलिस का दावा है कि एक जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये तस्वीर सामने आएगी कि आखिर धमाका हुआ कैसे। लेकिन मलिका सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा पर है क्योंकि अति संवेदनशील, ये बाकी बहुत बड़ी खबर और ये एक बहुत बड़ा सवाल कि इतनी हाई सिक्योरिटी एयरफोर्स स्टेशन पर दो धमाके हो जाते हैं बीती रात की ये घटना है और इस पर तमाम अपडेट लगातार हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिएगा। ABP News आपको रखे आगे।